अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास, पेज नंबर 59। आज हमने करना है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। नेम द टर्म फॉर, ये ब्लैंक्स में टर्म्स लिखनी है आप लोगों ने सेंटेंसेस पढ़ के। मटेरियल्स डेट आर नॉट फाउंड नेचुरली बट आर मेड फ्रॉम केमिकल्स, ऐसे मटेरियल्स जो कुदरती तौर पर नहीं पाए जाते बट आर मेड फ्रॉम केमिकल्स, लेकिन केमिकल्स से बनाए गए हों, उन मटेरियल्स को कहते हैं प्लास्टिक। यहाँ पे राइट करें प्लास्टिक। स्ट्रॉन्ग हार्ड एंड शाइनी मटेरियल्स, स्ट्रॉन्ग मजबूत हार्ड सख्त एंड शाइनी और चमकदार मटेरियल्स मादे डेट कैन बी हैमर्ड, जिनको हथौड़ी से मार कर इंटू डिफरेंट शेप्स विदाउट ब्रेकिंग, जिनको हथौड़ी के साथ मार कर मुख्तलिफ किस्म की शक्लें बनाई जाती हैं टूटने के बगैर, तोड़े बगैर हथौड़ी से मार कर मुख्तलिफ शक्लें बनाई जाती हैं, ऐसे मटीरियल्स को कहते हैं मेटल्स। यहाँ पर राइट कीजिए मेटल्स, सेकेंड वाले में राइट कीजिए मेटल्स। मटीरियल्स थ्रू विच हीट कैन ट्रेवल ईजीली, ऐसे मटीरियल्स जिनके अंदर से हीट आसानी से गुजर सकती है, ऐसे मटीरियल्स को कहते हैं कंडक्टर्स। यहाँ पर राइट करें कंडक्टर्स। मटीरियल्स डेट आर अट्रैक्टेड टू मैगनेट्स, ऐसे मटीरियल्स जिनको मैगनेट्स अपनी तरफ खींचती हैं, वो वाले मटीरियल्स हैं आयरन स्टील। यहाँ पे राइट करें आयरन स्टील, ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको मैग्नेट्स अपनी तरफ खींचते हैं, जिनको मकनातीस अपनी तरफ खींचते हैं, ये मटेरियल है आयरन और स्टील। और यहाँ पे राइट कर लीजिए आयरन स्टील। मटेरियल दैट इज डिफिकल्ट टू स्क्रैच, ऐसे मटेरियल्स जिनको खींचना बहुत मुश्किल होता है, जिनको स्क्रैच करना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे मटेरियल्स जिनको स्क्रैच करना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे मटेरियल्स को कहते हैं स्ट्रॉन्ग हार्ड मटेरियल्स। यहाँ पे राइट करें स्ट्रॉन्ग हार्ड मटेरियल्स। मटेरियल डैट इज इजी टू बेंड, ऐसे मटेरियल्स जो आसानी से बेंड हो सकते हों, आसानी से उनको किसी भी तरफ को मोड़ा जा सकता हो, ऐसे मटेरियल्स को कहते हैं फ्लेक्सिबल मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल्स को कहते हैं फ्लेक्सिबल मटेरियल्स। यहाँ पे राइट करें फ्लेक्सिबल मटेरियल्स। फर्स्ट वाली में प्लास्टिक, सेकंड वाली में मेटल्स कंडक्टर्स, थर्ड वाली में कंडक्टर्स, फोर वाली में आयरन स्टील, और फाइव वाली में स्ट्रॉन्ग हार्ड मटेरियल्स। और फर्स्ट वाली में प्लास्टिक, सेकंड वाली में मेटल्स, थर्ड वाली में कंडक्टर्स, फोर वाली में आयरन स्टील, फाइव वाली में स्ट्रॉन्ग हार्ड मटेरियल्स, और सिक्स वाली में फ्लेक्सिबल मटेरियल्स, लचकदार मादे जो होते हैं। ये आप लोगों ने टर्म्स जो हैं इनको पढ़ के ये ब्लैंक्स में राइट करना है, या आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स पे राइट कर लेनी है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये लर्न भी करना है और अपनी बुक्स पे राइट करना है। ये डायरी राइट कर लीजिए पेज नंबर 59। पेज नंबर 59 पे ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, नेम द टर्म फॉर, लर्न प्लस राइट ऑन बुक्स। ये आप लोगों ने क्वेश्चन लर्न करना है और अपनी बुक्स पे राइट करना है, ये सारा राइट कर लीजिएगा बुक्स पे।